दोस्तों आज का वीडियो सभी माताओं बहनों के लिए स्पेशल होने वाला है, और आप पुरुष हैं तो आप भी इस वीडियो को देखिए क्योंकि आप भी के लिए भी ये बहुत काम के होने वाला है। दोस्तों ब्लॉग चैनल बनाए, किचन चैनल बनाए या टेक चैनल बनाए, कई लोगों के कन्फ्यूजन होते हैं और आपने अपनी कैटेगरी बदलना चाहते हैं कि ब्लॉग है तो हम टेक में आ सकते हैं क्या, या किचन का है तो हम ब्लॉग में आ सकते हैं क्या। इस सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। बहुत काम की ये वीडियो होने वाला है, तो आप अगर पूरा वीडियो जो देखेंगे, माताएं बहनें भैया लोग, आप पूरा वीडियो जब तक नहीं देखेंगे आप समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आज मैं ऐसी जानकारी देने वाला हूँ जो बहुत से लोगों का सवाल होता है जो बड़े यूट्यूबर नहीं बताते हैं, और मैं उन्हीं आप सब छोटे यूट्यूबर जो नए यूट्यूबर के लिए मैं बहुत काम के वीडियो बनाता हूँ। दोस्तों सबसे पहले तो अगर आप नया चैनल की बात भी करूँगा, पुराने की भी करूँगा, अगर आपका नया चैनल है तो आप कौन सी कैटेगरी में आए तो मैं आपको बता दूँ। आप सोच रहे हैं कौन सा चैनल बनाऊँ तो आप डिसाइड करिए कि आप ब्लॉग का चैनल बनाएं। देखिए किचन का चैनल और ब्लॉग का चैनल की पहले मैं बात बता दूँ। ब्लॉग का चैनल आप अगर बनाने की सोच रहे हैं तो आपको ज़्यादा तामझाम नहीं करना, आपको ज़्यादा एडिटिंग नहीं करना, वीडियो शूट किया बस, अगर आप टुकड़े जोड़ दोगे उससे ही काम हो जाएगा। और अगर आप सोचेंगे कि मैं किचन का चैनल बनाऊं, अगर आप माता बहनें बहुत से किचन का चैनल बनाते हैं तो देखिए किचन के चैनल में बहुत मेहनत है आज के टाइम में। क्या मेहनत है कि आपको पहले तो सामग्री जुटाना होगी, बर्तन धाड़े सब्जी लेना पड़ेगी, आप ही नहीं आपके घर में जो भी हैं जो सब्जी बाजार से लाते हैं वो तक व्यस्त हो जाएंगे, जे कमी हो गई, जे चीज़ जे मसाला कम, जे लाओ तो दिन भर उसमें उलझा रहेगा। और उसके बाद आप जब वीडियो शूट करोगे तो वीडियो में बहुत फैला रहा होने वाला है। हमारे घर पे भी किचन का चैनल था इसलिए मुझे अनुभव है कि उसमें इतना फैला रहा हो जाएगा, फिर आप ना कैमरा सेट करने या तो एक को पकड़ने वाला चाहिए या बेहतर कैमरा सेट नहीं कर पाओगे कि आपको पूरा किचन यहाँ दिख जाए, गैस भी दिखना चाहिए, पूरे बर्तन डाले पूरा सब सामग्री दिखना चाहिए, तो इतनी मेहनत हो जाएगी। और जब आप सामान बनाओगे एक एक चीज़, आपको पता है सब्जी या कुछ भी चीज़ बनाने में कम से कम आधा एक घंटा चाहिए, वो बनाओगे फैला रहा करोगे 2-3 घंटे चाहिए, फिर उसको वीडियो शूट करोगे तो और 3 घंटे लग जाएंगे, घर वाले अलग भूखे परेशान हो रहे हैं आपकी रेसिपी बन रही है, और उसके बाद फिर आपको जब एडिट करने में भी बड़ी परेशानी होगी। तो इतना साला तामझाम आप झेल पाओ तो ब्लॉग का चैनल आप बना सकते हो। और आप अगर भाई इसका किचन का, अब आपको ब्लॉग का चैनल में क्या है, आप कहीं बाहर घूमने गए बाहर का शूट करके बता दिया, या आप छत पे हैं देखिए आज दोस्तों, या ब्लॉग में भी आप थोड़ा बहुत किचन का बना सकते हो, आज मैं जे बना रही हूँ जे वो फलाना ढिमका, इतने में आपका काम हो जाएगा, ज़्यादा रेसिपी में आपको एक एक चीज़ बताना पड़ेगी, तो ब्लॉग में जे आपको फ़ायदा है। और टेक का वीडियो, अगर आप थोड़ी भी टेक्नोलॉजी की नॉलेज रखते हैं जैसे मैं बना रहा हूँ, यूट्यूब टिप्स के बारे में बता सकते हैं, थोड़ा बहुत आपको ज्ञान हो जाए चैनल कैसे ग्रो करना है, कैसे टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन लगाना है, थोड़ी बहुत अगर आप में जे नॉलेज है तो आप टेक का भी बना सकते हो। तो जी अब जे तो नए लोगों की बात, अब पुराने लोग हैं, अगर वो पुराने लोग चाहें कि भैया मेरा तो किचन का है अब मैं ब्लॉग में कैसे आऊँ, तो आ सकती हो। किचन वाली महिलाएं ब्लॉग में बिल्कुल आ सकती हैं, जैसे आपका किचन का चैनल है। हाँ कब आना है, जैसे मान लो आपके 500,000 सब्सक्राइबर हैं, 3-4 साल आपके वीडियो पे मेहनत करते करते 3-4 साल हो गए हैं और व्यू आ रहा है मुश्किल से 50-60 और 3-4 साल से व्यू नहीं बढ़ रहा, तो आपको ब्लॉग में आ जाना चाहिए। अब ब्लॉग में आप कैसे आओगे, एकदम नहीं आना, आपको किचन का डाल रहा हो उस किचन की रेसिपी को पूरा ना बता के धीरे धीरे आप उसको ब्लॉग में कन्वर्ट होइए कि आप किचन का भी बता रहा है, धीरे धीरे अपनी बातें भी उसमें शामिल करते जाओ, धीरे धीरे आप आ जाओगे तो आपकी कैटेगरी ब्लॉग की आ जाएगी। तो इस तरह से आप आए आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। कई किचन की महिलाएं हैं जो बहुत परेशान हैं, वो वीडियो ज़रूर देख लें, वो ब्लॉग में अगर आने का सोच रहे हैं तो वो ऐसे धीरे धीरे अपनी कैटेगरी बदल सकते हैं। अगर उनके व्यू कम आ रहे हैं, व्यू अच्छे आ रहे हैं तो आप किचन में मेहनत कर सकते हो, लेकिन व्यू नहीं आ रहे हैं तो आप ब्लॉग में ऐसे कन्वर्ट हो सकते हो जी। और अगर टेक की बात करें तो आप में टेक्नोलॉजी का नॉलेज है और आपका चैनल किचन का है, तो आप धीरे धीरे पहले तो किचन के ही संबंध में टेक की कैटेगरी बना दें कि मैं ऐसी रेसिपी बनाती हूँ, ऐसे आप भी बना सकते हैं, और धीरे धीरे उसको टेक में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि नए चैनल को भी पुराने चैनल को भी किस तरह से
ऐसे आना है। और आपसे निवेदन है कि आप प्लीज़ लाइक कर दिया करें मेरी वीडियो को, देखिए आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और प्लीज़ कमेंट कर दिया करें कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो बनाना है, और कमेंट करेंगे लाइक कर, देखिए लाइक करने में एक बटन, आप वीडियो देख रहे हैं लाइक करने में, ऐसे टिक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, जरा में बस मुझे खुशी होगी। और उसके बाद आप अगर कमेंट भी कर देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिए, और नई इन्फॉर्मेशन जानने के लिए चैनल को फॉलो कर लीजिए। जय हिंद।